हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिनो प्रिंटर का हेड कैसे चेंज करते हैं या रिप्लेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉक ओपन करेंगे और इस यूनिट को ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारा रिबन यूनिट है जिसमें कि हम रिबन को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमें रिबन को लगाना होता है। इस साइड जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वेस्ट है। ये मैं क्या करता हूँ, पहले रिबन को डैमेज कर देता हूँ। अब इस रिबन को हमें खींचना है डायग्राम के अकॉर्डिंग और ऐसे लगाना है जैसे कि हमारे डायग्राम में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये बेस्ट रिबन है जो कि यूज़ हो चुका है, और ये वाला गुड रिबन है। पहले मैं दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से इसमें एक क्लिप के थ्रू दोनों साइड लगा रहता है रिबन हमारा। ये इसका रिबन यूनिट है, इसको साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन यूनिट पे। तो फ्रेंड्स, ये है प्रिंटर का मेन यूनिट। इसको फ्रेंड्स हेड बोलते हैं, जो कि आपके डेटा को प्रिंट करता है। ये मूवेबल है जो कि अपनी पोजीशन एडजस्ट करता रहता है पैरामीटर के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिप दिया है। अब इस क्लिप को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये फ्रेंड्स प्रेस करेंगे आप तो इजीली यानी आसानी से ओपन हो जाएगा हमारा हेड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंटिंग हेड है जो कि मैंने अभी क्लिप के थ्रू जो अटैच था उसको निकाल लिया है। फ्रेंड्स, इसको बहुत ही केयरफुली आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो वायर हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, यानी उनमें डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी हमें हेड रिप्लेस करना पड़ता है तो हमें सर्विस पर्सन को या फिर जो वेंडर पर्सन है, कई बार उनसे संपर्क करना पड़ता है या उनको बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का काम है और इसमें आपको बहुत ख्याल रखना है कि कोई भी वायर डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, इसको जब आप ओपन करेंगे इसके कनेक्शंस को, तो प्लीज़ इसको खींचें ना, बड़े आराम से खींचें। और इसमें दिया है जो हमारा कनेक्टर है, इनको आगे की ओर रिमूव करें इनके पिन होल को। उसके बाद इसको हल्के से खींचेंगे तो बड़ी आसानी से ये ओपन हो जाते हैं। आप ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो कनेक्शन दिए हैं, तो फर्स्ट मैंने रिमूव कर लिया है, अभी मैं सेकेंड भी रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा हेड निकल गया है प्रिंटिंग का। फ्रेंड्स, ये है हमारा मेन यूनिट यानी जो कि डेटा को प्रिंट करता है, और इसकी ये दोनों हमारे कनेक्शंस हैं। ये हमारी जो देख रहे हो आप कनेक्शंस, इनको बड़ी केयरफुली आपको कनेक्ट भी करना है और जब निकालना तो बहुत ही केयरफुली निकालना है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका मेन वर्क करता है। ये जो फ्रेंड्स आप देखो, इसमें टोटल हमें दो सेट दिए रहते हैं कनेक्टर के। ये फर्स्ट सेट है जिसमें दो कनेक्शन रहते हैं, और सेकंड सेट है, ये क्लिप है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप भी जब कभी हेड रिमूव करते हैं तो अच्छे से निकालें, क्योंकि जो क्लिप है ये मैग्नेटिक मेटल का रहता है, इसलिए अगर वहाँ चला गया तो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिससे कि आपके दूसरे पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसको प्लीज़ केयरफुली निकालें, ये क्लिप है और ये हेड है।